तो फ्रेंड्स ये लैपटॉप है इसमें जो है साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा था तो अचानक से इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई साउंड की, और इसका साउंड इसमें आ ही नहीं रहा है, स्पीकर भी नहीं आ रहा। मैं आपको चला के दिखा सकता हूँ इसमें, देखिए जैसे कि मैं कुछ प्ले कर देता हूँ, देखिए इसमें साउंड आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, ये आप सुन सकते हैं कोई साउंड नहीं है इसमें। मैंने इसे नेहरू प्लेस में भी दिखाया, उन्होंने कह दिया भैया रिपेयर नहीं हो पाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसमें चिप वगैरह की प्रॉब्लम है तो ये रिपेयर नहीं हो सकता। और फिर उन्होंने मुझे एक ये साउंड का कार्ड तो दे दिया, ये वाला जो आता है USB से, बोलने इसे आप यूज़ कर लीजिए अगर आप चिप वगैरह रिप्लेस कराएंगे तो, अदरवाइज़ उसमें कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। तो भैया हम ये ले आए ये USB वाला, ये तो इससे हम चला के देखते हैं इसमें, देखिए इसमें तो साउंड साउंड आ रही है इससे, ये देखिए इसको हम लेस लगा देते हैं। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हेडफोन है, इसमें ये अलग से भी मैंने इसमें लगा के दिखा, इसमें भी इसकी साउंड नहीं आ रही है, यहाँ पर देख सुन सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कोई साउंड नहीं है, यहाँ पे प्ले है ठीक है। अब इसमें हम ये वाला ये करने ये लगा के देखते हैं USB वाला साउंड कार्ड, तो इससे लगाने के बाद ये देखिए इस मैंने इसमें लगा दिया, और ये हम इस वाले में लगा देंगे, ये देखिए इससे साउंड आ रही है, ठीक है इसमें ये साउंड आ रही है। तो हमने क्या सोचा है कि एक तो हमने ये लेके आ गए हम वहीं से, तो और हमने एक ये ऑनलाइन अमेजन से ये ऑर्डर कर लिया, ये है एम्पलीफायर, ये 5 वोल्ट से चलता है, ये और ये ऑडियो एम्पलीफायर कहते हैं इसे, मैं दिखा देता हूँ आपको, निकल जाओ एकदम, ये देखिए हमने एक ही ऑर्डर कर लिया है। तो हमने क्या सोचा है इसे अंदर ही फिक्स कर देंगे हम इसे, और इसका जो स्पीकर है इससे इसको कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि देखिए ये 5 वोल्ट से हम इसकी जो PCB है इसके अंदर जो लगी हुई है इसे हम निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसे लगा देंगे इसमें, इसका आउटपुट इसमें इनपुट दे देंगे, और यहाँ से जो आउटपुट ले लेगा 3 वॉट + 3 वॉट, राइट और लेफ्ट दोनों ये 3 वॉट 3 वॉट के स्पीकर इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, यानी कि आप जो इसके ये एम्पलीफाई कर देगा ऑडियो क्वालिटी को, ऑडियो साउंड को इसमें एम्पलीफाई करके स्पीकर तक पहुंचा देगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें कुछ ऐसे अंदर ओपन करके इसको अंदर ही फिक्स करेंगे, क्योंकि USB से कनेक्ट है ये, USB के हम अंदर से अंदर इसे USB से ही पावर दे देंगे, और देखिए आगे क्या करते हैं हम। अभी फिलहाल हम इसको अभी ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे क्या करना है, कैसे इसको हम फिक्स करेंगे सारा। फ्रेंड्स अभी हम बना रहे हैं 4 वायर की एक केबल, जो कि एक फ्लेक्सिबल केबल हम इसमें बना रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने काफ़ी पतली वायर इसमें ली है, इस तरह से हम बना रहे हैं, आप देख सकते हैं टेप हमने नीचे लगाई है और ऊपर से भी हम इसमें टेप लगा देंगे, ये रिबन वायर की तरह ये बन जाएगी और काफ़ी फ्लेक्सिबल होगी, क्योंकि हमें बैटरी के नीचे से इसे लेके जाना है, और काफ़ी हमें स्पेस काफ़ी हमें कम मिलने वाला है, तो हम इसलिए ये बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से हमने ये बनाई है, और बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है टेप का वो हम यहाँ से काट रहे हैं। अब ये हमारी रिबन वायर कंप्लीट हो गई है USB वाली, जो कि इसमें की 4 वायर हमने लगाई हैं। अब लैपटॉप को हम ओपन कर रहे हैं, ओपन करने के बाद ये देखिए यहाँ पर मैं जब लैपटॉप खोल रहा था तो वीडियो स्टॉप हो गई थी, किसी का कॉल आ गया था तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो मैंने यहाँ से स्पीकर भी निकाल लिए थे, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और ये पार्ट हमें मिस हो गया और वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से ये लगा हुआ था कनेक्टर, तो हमने इसको निकाल लिया था, काट लिया था, इतने में हमारी बेटी आई और उसने सारे दांतों से इसको सारे वायर तोड़ ताड़ दिए, और ये स्पीकर भी अलग कर दिया इससे। तो हमें अब ये एक काम हमारे लिए और बढ़ चुका है, हमें ये सेपरेट सेपरेट स्पीकर के कनेक्शन करने हैं, ये दूसरा वाला स्पीकर है और ये
पहला स्पीकर है, तो हम यहाँ से ये ऐसे लगा हुआ था, हमारी बच्ची ने इसको तोड़ दिया, तो हमें हमारा थोड़ा सा काम बढ़ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अलग सेपरेट कनेक्शन निकालेंगे इसमें से ये स्पीकर के, और वहाँ पे एम्पलीफायर में हम इसे कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। आप देखते रहिए आप वीडियो को। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें हमारी वीडियो को। तो अभी हम जो कर रहे हैं कनेक्शन इसमें ये स्पीकर के करेंगे, और ये देखिए एम्पलीफायर देख सकते हैं हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, और यहाँ से यूएसबी कनेक्शन लेके आएंगे और बैटरी के नीचे से आएगा और यहाँ पे कहीं पे हम सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम इसको बैटरी को खोल लेते हैं। बैटरी को निकालने के बाद देखिए यहाँ पे नीचे की साइड रिबन वायर हम लगा के लगाएंगे, कैसे लगनी है वो अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पे हम रिबन वायर लेके आएंगे। पहले हम इस पे स्पीकर के जो कनेक्शंस हैं सेपरेट वो कर लेते हैं। अभी हम इसको हीट सिंक को खोल रहे हैं। हम इसके स्पीकर के देखिए इस तरह से हमने रिबन वायर बना के दो A1 पेयर की दो वायर इसमें लगा दी हैं, और यहाँ पे अभी हम इसको लगा लेते हैं स्पीकर को, फिर आपको दिखाते हैं कैसे हम फिटिंग करी है हमने। तो यहाँ पे हम ये स्क्रू वगैरह सब खोल लें, और देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे ये फिट कर लिए हैं स्पीकर, ये वाला स्पीकर के ऊपर से हम स्पीकर यहाँ पे लगा दिया है, और ऊपर से हीट सिंक के ऊपर से हमने यहाँ पे टेप मार के ये कनेक्शन लेके आ गए हैं सेपरेट सिंगल स्पीकर के। यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट स्पीकर का यहाँ पे कनेक्शन आ गया है, और ये सेकेंड वाले का, यानी कि ये जो है ये लेफ्ट वाले का स्पीकर का है, ये राइट वाले स्पीकर का है, और ये लेफ्ट वाले स्पीकर का है, और ये है एम्पलीफायर। इसमें हम यहाँ पे राइट वाला और लेफ्ट वाले यहाँ के कनेक्शन दे देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस के जो सेपरेट हमारे स्पीकर के कनेक्शन आए हैं वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे हमें देना है 5 वोल्ट, वो भी हम आपको बताएंगे कहाँ से देना है, वो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं इसको, वायर को, ये स्पीकर के वायर के कनेक्शन हम कर लेंगे। देखिए राइट वाला जो है स्पीकर वो हम यहाँ पे राइट में लगाएंगे, और लेफ्ट वाला स्पीकर हम यहाँ पे एम्पलीफायर के लेफ्ट में लगाएंगे। फिलहाल हम अभी यह लगा रहे हैं लेफ्ट वाला स्पीकर, यहाँ पे इसका नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे नेगेटिव वायर, और ये प्लस पॉजिटिव वायर अभी यहाँ पे लगाना है ऐसे, ये इस तरह से हमें लगा देना है। मैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि ये मेरा लैपटॉप था पर्सनल, तो मैंने इसमें बाकी झंझट से जैसे कि यूएसबी आउटपुट यूएसबी से बचने के लिए मैंने ये किया है, क्योंकि रिपेयर भी नहीं हो पा रहा था तो मैंने ये करा कि कुछ नया करते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने लैपटॉप में अगर आपको थोड़ी टेक्निकल नॉलेज है तभी करिएगा, अदरवाइज़ इस पर ना करें। तो फ्रेंड्स ये है हमारा साउंड कार्ड, इसके हम सारी वायर निकाल लेंगे यूएसबी वाली, और यहाँ पे देखिए ये जो जैक लगे हुए हैं माइक के और ऑडियो के, इसे भी निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी ये पीसीबी निकल जाएगी इसमें से, और ये बिल्कुल स्लिम पीसीबी बन चुकी है हमारी, और इसे देखेंगे हम बोर्ड पे किस तरह से कहाँ पे फिट करना है वो बाकी बाद में हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम कनेक्शन करेंगे पहले, उसके बाद हम इन्हें सेट करेंगे जहाँ पे भी हमें इसे फिक्स करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इसको देख रहे हैं हम कहाँ पे फिक्स करना है, वो फ़िलहाल हम बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम अभी कनेक्शन कर लेते हैं इनके। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ये जो यूएसबी जो कार्ड लगा हुआ है इसे यहाँ से हमें इसे यूएसबी के कनेक्शन देने हैं। यहाँ पे जो हमने चार वायर की एक रिबन बनाया था, ये इस तरह से हमें यहाँ पे चारों वायर ऐसे ही लगा देनी है। इसमें जो साइड ये राइट और लेफ्ट वाली जो, इस तरह से हम यहाँ पे चारों वायर कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फर्स्ट वाली हमने कनेक्ट कर ली है, ऐसे ही सारी वायर चारों की चारों हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे यूएसबी से। ये हाँ, ये कनेक्ट हो चुकी हैं, ये देखिए इस तरह से हमने चारों वायर इसमें कनेक्ट कर ली हैं। अब इस पर थोड़ा सा हम ग्लू डाल देंगे, ग्लू गन से हम यहाँ पे ग्लू डाल देंगे ताकि ये वायर हिले डुले ना और अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छे से फिक्स हो गया है, हमने फिक्स कर दिया इसे, और जो है कार्ड को हम इसके लगा देंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा काम ख़त्म हो चुका है। सिर्फ हमें यहाँ से चार वायर चाहिए थी यूएसबी से, और यहाँ पे इसी से हम पावर दे देंगे। अब ये जो चार वायर जो निकली हैं, यूएसबी से, ये अब हम लगाएंगे इस साउंड कार्ड पर। ये देखिए इस साउंड कार्ड पर लगाएंगे हम, और ये ज़रूर ध्यान रखना जो पॉजिटिव है पॉजिटिव में लगाएं, और जो नेगेटिव है नेगेटिव में लगाएं। जो सेंटर वाली दो वायर होती हैं वो डाटा की होती हैं यूएसबी के, और जो
राइट और लेफ्ट वाली होती है, पॉजिटिव नेगेटिव होती है। इस तरह से हमें लगा देनी है। ये वाली नेगेटिव वायर है, ये लगा दी फर्स्ट वाली, और डाटा की दोनों वायर लगा दी, और ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे लगा दी है। इस तरह से लगा दी है और देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से फिट करते हुए हम यहाँ पे लेके आएंगे। अभी हम एम्पलीफायर को फिट यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं डबल टेप की मदद से। यहाँ पे लग गया है एम्पलीफायर हमारा। अब हम लगाएंगे यहाँ पे, देखिए इसको एम्पलीफायर को 5 वोल्ट चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट ले लेंगे एम्पलीफायर को। यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे 5 वोल्ट यहाँ पे हम देने हैं एम्पलीफायर में, तो हम यूएसबी से ही यहाँ से 5 वोल्ट ले लेंगे। ये हम नेगेटिव ले लेंगे यहाँ से, फर्स्ट वाला जो है ये नेगेटिव है, यहाँ से हम नेगेटिव ले लेंगे। और फोर्थ वाला जो कनेक्शन है, ये वायर वाला फोर्थ वाली जो वायर है, इसमें हम यहाँ से पॉजिटिव ले लेंगे। ये इस तरह से हमने लगा लिया है, नेगेटिव पॉजिटिव मिल गया हमारा यहाँ पे आ रहा है, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव एम्पलीफायर में चला जाएंगे। दो वायर की हमने जो ये केबल बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे लगा देंगे हम राइट लेफ्ट स्पीकर। ये देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट वाले स्पीकर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिए हैं, ये यहाँ पे लग गया है। और ये वाला जो जाएगा राइट और लेफ्ट स्पीकर वाला, और ये एम्पलीफायर में भी जाएगा, ये इसका आउटपुट एम्पलीफायर के इनपुट में वहाँ पे लग जाएगा। वो आप देखते रहिए वीडियो को, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अब यहाँ पे जो एम्पलीफायर है, इसे हमें राइट और लेफ्ट देना है, और पहले हम लगा लेते हैं ये निगेटिव पॉजिटिव वाली वायर जो हमने यूएसबी से निकाली है दो। ये यहाँ पे निगेटिव लगा लेनी है और पॉजिटिव लगा लेनी है। ये देखिए यहाँ पे हमने लगा दी है वायर, अभी हम नेगेटिव लगा दिया है, हमने पॉजिटिव लगा के इसको ग्लू गन से हमने कर दिया है फिक्स। और यहाँ पे लेफ्ट और राइट वाले स्पीकर के हमने भी यहाँ पे कनेक्शन कर रहे हैं, ये इनपुट है और साउंड कार्ड से आउटपुट आ रहा है, और इसमें इनपुट जा रहा है। और हमें क्योंकि थर्ड वाला जो है वो ग्राउंड का है, क्योंकि हमें ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे दे दिया है। जो नेगेटिव वाला होता है वो ऑलरेडी ग्राउंड होता है, तो हमें इसमें लेफ़्ट और राइट वाला ही लगाना है। ये लेफ़्ट वाला और राइट वाला स्पीकर का हमने इनपुट इसमें दे दिया है, अब यहाँ से आउटपुट इसमें ये प्रोड्यूस करके स्पीकर तक पहुँचा देगा। तो हम इसे हम कर लेते हैं फिक्स ग्लू गन से, ग्लू से, ताकि ये हिले डुले ना, क्योंकि वायर टूट सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसके ये कनेक्शन हो गए हैं, ये देख सकते हैं आप, देख लें क्योंकि ये आया हुआ है। देखिए ये हमने नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे लगाया है, ये स्पीकर इनपुट का है, ये राइट स्पीकर है, और ये वाला लेफ्ट स्पीकर है। और फ्रेंड्स, ये है स्पीकर का आउटपुट निकल रहा है इसमें साउंड कार्ड से, और एम्पलीफायर में इनपुट जा रहा है। और ये यूएसबी वाली जो है केबल यहाँ से हमने ली है, और इसमें साउंड कार्ड में आ रही है। इस तरह से हमने इसको फिक्स कर लिया है, देखिए काफ़ी अच्छे तरह से हमने इसको फिक्स कर दिया है। अब हम इसको चला के देखेंगे और इसमें देखते हैं कैसी साउंड आती है। अगर कुछ हमने अब कुछ इसमें चेंजेस करने होंगे हम, तो अभी कर लेंगे। अगर पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आराम से खोलेंगे, क्योंकि हिंज वगैरह टूट सकते हैं, डिस्प्ले भी टूट सकती है, तो इसे आराम से खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसे हम ओपन करेंगे लैपटॉप को, अब देखते हैं साउंड कैसी आती है। तो फ्रेंड्स, जैसे ये हमने प्ले कर दी है इसमें, तो फ्रेंड देखिए साउंड क्या इतनी आ रही है, क्योंकि एम्पलीफायर कुछ ज़्यादा ही कर रहा है साउंड को एम्पलीफायर, तो इस वजह से स्पीकर उसको झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि स्पीकर इसमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगे, मुश्किल से 1 वाट का भी स्पीकर इसमें नहीं है। तो हमें अब इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए किस तरह की साउंड आ रही है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं इसमें। यहाँ पे हमने जो आउटपुट आ रहा था स्पीकर का, तो वहाँ पे हमने सीरीज़ में एक कैपेसिटर लगा दिया है सिंगल चैनल पे, एक यानी कि एक चैनल पे एक आउटपुट पे एक हमने
कैपेसिटर लगाया है 50 वोल्ट 4.7 UF का। देखिए इस तरह से सीरीज़ में लगा दिया है हमने, जहाँ से हमारा स्पीकर आउटपुट निकल रही है वहाँ पे हमने सीरीज़ में ये कैपेसिटर लगा दिया है। कैपेसिटर लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये सेटअप बन जाता है, इस तरह से कुछ सेटअप बना है। तो फ्रेंड्स अभी इसको हम कर लेंगे पैक। पैक करने के बाद पैक करने से पहले हमने इसको चेक कर लिया था। तो अभी हम फाइनल जो है इसको ग्लो बंद कर देते हैं सारा, और सेट करने के बाद हम आपको चला के दिखाएंगे किस तरह से हमारा ये साउंड इसमें आ रहा है। साउंड कार्ड ही क्यों नहीं लगाया हमने, एम्पलीफायर क्यों लगाया एक्स्ट्रा? एम्पलीफायर हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जो इसमें साउंड कार्ड जो है ये यूएसबी वाला, इसमें क्यों ये हेडफोन वगैरह के लिए सही चलता है क्योंकि इसमें बहुत कम पावर होती है और ये सिर्फ हेडफोन तक ही आप इसको सुन सकते हैं, ज़्यादा इसकी वॉल्यूम नहीं होती है, इसकी साउंड ज़्यादा नहीं होती है। तो हमें क्या करना था, हमें स्पीकर चलाने थे, तो स्पीकर जब आउट स्पीकर लगाएंगे इसमें तो इसकी साउंड बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इसको पावर को बढ़ाने के लिए हमने ये एम्पलीफायर लगाया है। और आप देखिए फ्रेंड्स इसमें आवाज आने लगी है, वॉल्यूम बता देखिए फ्रेंड्स, कॉपीराइट का इशू की वजह से मैं आपको इतना ही चला के दिखा सकता हूँ उसका, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा। हम आपको चैनल दिखाएंगे अपना। तो फ्रेंड्स हमारा ये चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक या फिर यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बटन है ये आप देख लेते हैं, इस बटन को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें आवाज़ अच्छे से आने लगी है और ये बिल्कुल ओके हो भी चुका है। बस इसमें क्या है कि इसमें चिप की कोई प्रॉब्लम थी, तो नेहरू प्लेस में मैंने दिखाया था वो इसे रिपेयर नहीं कर पाए, तो उन्होंने यूएसबी के लिए दे दिया था बाहर से लगाने के लिए। तो हमने क्यों ना सोचा है कि इसे अंदर ही फिक्स कर दिया जाए। तो आपके सामने हमने सारा वो फिक्स करने का तरीका बताया आपको, एक एम्पलीफायर हमने लगाया इसमें और एक यूएसबी साउंड कार्ड लगाया, तो उससे हमने इसे अंदर ही फिक्स कर दिया है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।